नाज़रीन, अगर आपने रिवर व्यू का मज़ा लेना है और यहाँ का बारबेक्यू आपने खाना है या आपने एक अच्छा टाइम गुजारना है शाम के वक्त, तो आप इस होटल में आएँ। और इस होटल में की क्या क्या खसूसियात हैं वो जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात भी कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र सर, आपका इसमें ग्रामी? मैं कामरान हूँ। कामरान साहब हैं जी, और ये मालिक है इधर के, क्योंकि मैंने बाहर देखा है इनका नाम लिखा हुआ है। बड़ा अच्छा सेटअप है जी आपका माशाल्लाह। तो मुझे बस एक शॉर्ट सी ब्रीफ बता दें कि आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे? अच्छा, हमारे पास तो खैर रूम की भी सहूलियात मैसर हैं और रेंट कार की अगर आप बात करें तो वो भी हमारे पास है। अच्छा, हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी वैसे बारबेक्यू है। अच्छा अच्छा जी, वैसे पंजाब के लोग तो आपको पता है चटपटा खाना और स्पाइसी खाने पसंद करते हैं। जी जी, तो उनके टेस्ट के मुताबिक, उनके मायार के मुताबिक खाना हमारे पास मिलता है। अच्छा, लाइक बारबेक्यू, बारबेक्यू में चिकन टिक्का जी और बीफ बोटी भी है। सही है। उसके अलावा माछ दाल भी अच्छी बनती है। सही है। और मटन की हांडी हो, चिकन की हांडी हो, अच्छा वो भी हमारी स्पेशलिटी है। सही है। यानी अगर कोई लाहौर से आया आपकी तरफ तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो सीधा इधर आ जाए। यानी अगर लाहौर का टेस्ट मिल सकता है, इधर मिल सकता है। जो रावलपिंडी का आए, यानी पंजाब के किसी शहर का कोई बंदा इधर आए तो वो सीधा आपके पास आ जाए। कराची से किसी भी कोने से आए तो उनको टेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे शुरू करते हैं, कब तक होता है? हम सुबह 11 बजे से लेके रात को 1-2 बजे तक। रात 2 बजे सही अवेलेबल होता है। सही। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात एक क्लियर बताता हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ, तो जो सबसे पुरअमन सूबा है, मैंने पहले भी किसी व्लॉग में ये बात की है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो पाकिस्तान का सबसे पुरअमन सूबा जो है वो आपका गिलगित बल्तिस्तान है। तो इस जगह आप रात 2 बजे भी बैठ सकते हैं, 1 बजे भी आ सकते हैं, 12 बजे भी आ सकते हैं, आप जिस तरफ मर्जी है जैसा चाहे आप घूम फिर सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ की जो रवायात हैं, यहाँ का जो यहाँ की जो सकाफत है उसका आपने सिर्फ ध्यान करना है, बाकी नथिंग एल्स। कोई आपको नहीं रोकेगा आप इधर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, क्या कर, नथिंग। ईजीली यू कैन ट्रेवल एवरीवेयर इन GB, आप जिधर मर्जी जाएँ ईजीली। तो आगे मुझे बताएं जी कामरान साहब, आपके पास रहने की क्या फैसिलिटी है इधर, अगर कोई आना चाहे आए तो स्टे का भी है बंदोबस्त आपके जी, पास? हमारे पास अच्छे रूम्स हैं, डिलक्स रूम्स हैं सारे जी। एक दूसरी बात मैं बताता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान में क्राइम रेशियो 0 है। ले, अब इसका मुझे नहीं था पता, क्राइम रेशियो 0 है कोई पाकिस्तान में इसका मुकाबला करने वाला? छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊँ, लास्ट पिछली ईयर आई थिंक कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का बाइक पे KKH रोड पे जा रहा था, कोई फैमिली थी जिनके गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। अच्छा, उस बंदे ने रुक के अपने बाइक में से कोई 6 लीटर पूरा पेट्रोल अपनी टैंक को बिल्कुल ही खाली कर दी और उनको दे दिया। हाँ, गाड़ी में डाल दिया, उनका मैं तो लोकल हूँ, मुझे कोई भी यहाँ से पिक कर लेगा, आप अपना रास्ता लेने जल्दी कहीं पे पेट्रोल पंप के करीब पहुँच जाए। वो तो खैर कोई मतलब मुझे तो पता है इस एरिए का ना, सच्ची बात बताऊँ कामरान साहब, मैं मतलब 3 साल इधर गुजार के गया हूँ, मैं मतलब बता नहीं सकता, लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता कि यहाँ के लोग कितने कोऑपरेटिव हैं इधर, मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं। तो ये तो हो गया जी आपके खाने पीने का सेटअप, मैंने वो अंदर से हाल भी दिखा दिया है, अब मुझे आप जो रूम्स हैं वो बता दें। मैं आपको लेता चलूँगा उधर, ले चलो वो बता दें। आए जी चलते हैं आप। नाज़रीन, ये है जी हाल जो मैंने आपको दिखाया, माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आया। तो इस जगह आप अपनी फैमिलीज के साथ आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, तो ये बड़ा प्यारा बनाया जी माशाल्लाह आपने। जी, फैमिलीज के लिए हमने ऐसा हाल बनाया हुआ है। सही है, ये हमारा फैमिली हाल है, यहाँ पे फैमिलीज के लिए प्राइवेसी कंफर्टेबल फील करती है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है बहुत। और यहाँ से जो है ना, जो मज़े की चीज़ है वो सामने आपको दरिया का जो नज़ारा है बेहतरीन। तो ये तो आपका हाल हो गया जी। जी, तो अभी आपके पास वो मेन्यू है जी, सामने मुझे दिखा दें प्लीज। नाज़रीन, ये मेन्यू भी है और ये मैं इसका जो है ना
इसका वो क्लोजअप आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, बल्कि मैं इसकी पिक्चर बना के स्लाइड दे दूंगा आपको। पैराडाइज होटल एंड रेस्टोरेंट, जबरदस्त। तो मुझे वो रूम दिखा दी, ठीक है। नाज़रीन ये देखें आपको, ये नीचे पैराडाइज ग्रिल का जो साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको दरिया गिलगित का हसीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कमरे जो है वो दिखाता हूँ अंदर से। साहब ये बताइएगा जी, ये हमारा स्वीट रूम 101। अच्छा, आपको दिखा देता हूँ। सही। ये हमारा 102 रूम। अच्छा, कुछ इस तरह का है। अच्छा, ये तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा अच्छा, सिंगल बेड। सही सही सही, सिंगल बेड लगाए हुए इसमें हमने। सही, माशाल्लाह जी, ये भी बहुत प्यारा है जी आपका सेटअप। अभी हम आपको दूसरा रूम की तरफ ले चलते हैं जी। हमारे पास ऐसा भी जिसमें एक बड़ी फैमिली इजीली आ सकती है, हमने अच्छा। दो रूम्स को कंबाइन करके एक बनाया हुआ, मैं अभी उसकी तरफ आपको ले चलता हूँ। ये कुछ स्पेशल चीज लगती है मुझे। माशाल्लाह बेहतरीन। नाज़रीन अगर आपकी फैमिली जो है वो थोड़ी सी बड़ी है या आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको ये रूम मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें डबल वॉशरूम है। अच्छा जी, दो बाथरूम यहाँ पे हैं साथ, ये 4 सिंगल बेड्स, अगर मैट्रेस की भी गुंजाइश है। अच्छा सही सही, वो भी हो सकता है अरेंजमेंट, राइट। ये मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इसका पूरे कमरे का। बहुत प्यारा व्यू जी, माशाल्लाह जबरदस्त। नाज़रीन मैं इधर दूसरी दफा खड़ा हुआ इधर, और दूसरी दफा ही मुझे मजा आया बहुत ज्यादा। कामरान साहब आपने जो मुझे कमरे दिखाए हैं माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त है। तो इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं? यानी आपने खाने का बता दिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया और आपने रिहाइश का बता दिया, तो आप इधर से अगर कोई जाना चाहे गुंजा तो उसका अरेंजमेंट आप कर सकते हैं? कि ठीक है, कोई ग्रुप आता है आपके पास? बिल्कुल कर सकते हैं, हम गाइड भी दे सकते हैं साथ और अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। कहां पर भी जीबी के बेशक वो सिकरदो की तरफ जाए उधर भी हम कर सकते हैं। नाज़रीन इनका खाना बहुत मजे का है, एक दिन मैंने पिछले साल मैंने खाया था तो इस दफा नहीं खाया, खाएंगे कभी टाइम मिला तो आज ही खाएंगे। तो अभी कोई और रूम आपके पास है तो वो भी दिखाता हूं मैं, एक ट्रेडिशनल रूम है वो भी दिखाता हूं लोकल। अच्छा, और एक दूसरा रूम माता से मैं आपको ट्रेडिशनल लाजमी दिखाइएगा सर, ठीक है, क्योंकि हमारे लोग जब उधर से आते हैं ना तो वो कहते हैं कि इस एरिया की हमने सकाफत देखनी है, ठीक। फिर उसके बाद मतलब क्या नाम है इसका, जो आपके होते हैं ना लिबास और आपके जो जेम स्टोन्स हैं, ये हमारे लोग बहुत पसंद करते हैं, पंजाब के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अभी फिलहाल आप मुझे ये दोनों रूम दिखाएं तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन ये यहाँ का जो ट्रेडिशन है ना, लोग नीचे बैठते हैं, तो ये इन्होंने वो सेटअप भी बनाया हुआ है
अगर आप इस सेटअप में रहना चाहते हैं तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, नीचे लोग बैठते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऑप्शन ये भी रखा हुआ है कि आप इधर इस बेड को भी यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको रात के मनाजर भी दिखाना चाह रहा था, इसलिए इस कमरे को मैंने छोड़ दिया था कि बाद में चेक करेंगे इसको। तो रात के वक्त लुक ऐसी है जी इस रूम की, और दीगर रूम्स जो हैं वो भी इसी तरह बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। कमरान साहब, ये जो रूम है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, ये रूम में रखा हुआ ये मास्टर बेड, फैमिली यहाँ पे बैठी थी, और सिंगल बेड रखा हुआ बच्चों के लिए। अच्छा, ताकि मतलब फैमिली डिस्टर्ब ना हो। राइट, माशाल्लाह जी। अच्छा, ये भी माशाल्लाह ठीक। इसमें एसी वगैरह सब कुछ लगे ना? रूम में एसी लगे हुए, एसी की भी वैसे इतनी जरूरत तो नहीं पड़ती है ना। अभी आगे फिर जून जुलाई में दिन में अगर कोई बैठना चाहे तो उनको नीड होती है। सही। बाकी सर्दियों में फिर इन्वर्टर लगा हुआ है, गर्म ठंडा दोनों। सही है। तो आप मेरे जो देखने वाले हैं उनको कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें? जी बिल्कुल, एक दफा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये है जी नीचे दरियाए गिलगित, और अगर आप शनवारी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप पैराडाइज होटल के बिल्कुल सामने जो है ये सेटअप है शनवारी का, या आप फैमिलीज के साथ भी आ सकते हैं और आप अकेले भी आ सकते हैं। ये सामने होटल जहाँ से मैं आया हूँ उसके बिल्कुल अपोजिट।